अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जीशान है और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है DOV। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DOV होता क्या है, DOV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अलावा जो कराची कौंसुलेट से अप्लाई कर रहे हैं उनको DOV कब अप्लाई करना है, और जो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं उनको DOV कब अप्लाई करना है। चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि DOV होता क्या है। DOV की फुल फॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है। ये एक तरह का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है जो कि इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि आपकी एजुकेशन इटालियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक किस लेवल पर है। जैसे कि अगर आपने FSC या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो ये सर्टिफिकेट ये चीज़ शो करता है कि आपकी एजुकेशन इटालियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग है, यानी फर्दर आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है तो ये सर्टिफिकेट ये चीज़ शो करेगा कि आपकी लेवल ऑफ़ एजुकेशन 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग है और आप फर्दर मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग 2 साल का ग्रेजुएशन करते हैं जैसे कि BCom वगैरह, तो वो लोग अगर फर्दर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एजुकेशन 14 ईयर ऑफ स्कूलिंग के बराबर होती है जो कि मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो गाइस अगर आप इटली में स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सूरत में आपकी एजुकेशन 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी 14 ईयर ऑफ स्कूलिंग है तो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, उस सूरत में फिर आपको दोबारा से बैचलर्स के लिए अप्लाई करना होता है, और पहले बैचलर्स करना होता है फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जब बात करते हैं कि आपको DOV करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, DOV करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आपकी मैट्रिक की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड थिंग आपका इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री होनी चाहिए। आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके रिलेटिव बोर्ड से अटेस्ट होने चाहिए। उसके अलावा आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है और जो ट्रांसक्रिप्ट है ये दोनों चीज़ें आपकी HEC से अटेस्ट होने चाहिए। जब ये 6 डॉक्यूमेंट्स अपने अपने रिलेटिव बोर्ड से अटेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपने इनको MOFA से अटेस्ट करवाना होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं। MOFA से अटेस्ट करवाने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को आपने इटालियन में ट्रांसलेट करवाना होता है। आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से ऑथराइज जो ट्रांसलेटर है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इनको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसके अलावा DOV के लिए आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिला होता है उसकी ज़रूरत होती है। साथ साथ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या IELTS का सर्टिफिकेट जो होता है वो साथ लगाना होता है। उसके अलावा आपका ओरिजिनल जो डोमिसाइल है वो आपको साथ लगाना होता है, और उसकी 2 अटेस्टेड कॉपीज लगानी होती है। आप किसी भी करीबी नोटरी पब्लिक के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से उसको अटेस्ट करवा सकते हैं, और साथ साथ आपका जो पासपोर्ट है वो आपने लगाना होता है, और 3 अटेस्टेड कॉपी लगानी होती है नोटरी पब्लिक से। उसके अलावा आपने अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स को शो करना होता है, जिसके लिए आप एक स्पॉन्सर एफिडेविट बनाते हैं जिसके अंदर मेंशन करते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। साथ साथ DOV जमा करवाने के लिए आपको Form A और Form C भी फिल करके सबमिट करवाना होता है, उसके ऊपर साइन करके, जो कि आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाएंगे तो वो आपको वहाँ से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपने DOV के लिए कब अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर जो लोग कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई कर रहे हैं उनके अप्लाई करने का टाइम पीरियड अलग है, और जो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं उनके अप्लाई करने का टाइम पीरियड अलग है। जो कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई कर रहे हैं उनको कराची में एक कंपनी है JERRY'S के नाम से, वहाँ से अप्लाई करना होता है। तो सिंपली आपने JERRY'S वालों को कॉल करनी होती है और उनसे मालूम करना होता है कि उन्होंने DOV लेना शुरू कर दिया। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हमने DOV लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ अपनी DOV की फ़ाइल को सबमिट करवा सकते हैं। तो JERRY'S वाले आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से इवेलुएट करेंगे, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपकी DOV कंप्लीट करके आपको DOV सर्टिफिकेट के साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग होते हैं तो JERRY'S वाले आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, काइंडली ये प्रोवाइड कीजिए ताकि आपकी DOV की एप्लीकेशन को कंप्लीट किया जा सके। उसके अलावा जो इस्लामाबाद से DOV अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको अपनी जो वीज़ा की फ़ाइल होती है उसके साथ DOV के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। उनको अपने वीज़ा फ़ाइल के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, उसके साथ साथ DOV के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ कंप्लीट करना होता है, और जिस दिन उनका वीज़ा इंटरव्यू होता है उस दिन उनके DOV के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरव्यू के बाद जमा हो जाते हैं। वीज़ा इंटरव्यू के बाद उनकी वीज़ा फ़ाइल भी जमा हो जाती है, उसके साथ साथ DOV की फ़ाइल भी जमा हो जाती है। तो फिर उन्होंने वेट करना होता है, अगर उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके साथ बाद में उनको DOV
का जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू हो जाता है। तो गाइज ये था कंप्लीट प्रोसीजर DUV अप्लाई करने का। कराची से जो अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, जो इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसीजर अलग है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपके जो DUV के हवाले से कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को मजीद कोई क्यूरी या सवाल वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।